तबीयत तो क्या होना है अम्मी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्यों? अच्छा, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। मैंने और तुम्हारी मुमानी ने मिलके तुम्हारी निकाह की तारीख तय कर दी है। तुम कल भी उठ के आ गए, कोई मुस्बत जवाब ही नहीं दिया तुमने। अम्मी मैं तैयार हूँ, आप जो भी डेट रखे मुझे मंजूर है। जीते रहो, हमेशा खुश रहो। बस मैं चाहती हूँ कि तुम ऑफिस से कुछ दिनों की छुट्टी ले लो। निकाह का फंक्शन, शादी का फंक्शन, ढेरों काम है, मैं अकेली तो नहीं कर सकती ना। मैं किसी झमेले में पड़ने की जरूरत नहीं, ये सब सादगी से होगा। देखो, धूम धड़के की तो मैं भी कायल नहीं हूँ, और ना ही अजरा की ऐसी कोई ख्वाहिश है। लेकिन बात खुशियों की है तो खुशियां तो मनानी चाहिए ना, और थोड़ी बहुत रौनक तो। प्लीज, मैंने कह दिया ना कि शादी सादगी से होगी, निकाह मस्जिद में होगा और घर पे कोई फंक्शन नहीं होगा। हाँ, अलबत्ता अगर साद और मुमानी रुखसती पर कोई अपना फंक्शन घर में रखना चाहते हैं तो हमें कोई एतराज नहीं। हमारी तरफ से एक वलीमे का सादा सा खाना होगा और बस। बात तो सुनो मेरी, क्या बात है, हर वक्त उलझे रहते हो। पहले तो कभी तुमने अपनी माँ से ऐसी बात नहीं की, अब क्या हो गया तुम्हें? कोई परेशानी है तो मुझे बताओ बेटा। ऐसी कोई बात नहीं, मैं बस ये चाहता हूँ कि ये शादी सादगी से हो जाए।